उसको बख्शीश दी जाएगी, उसको रिवॉर्ड किया जाएगा, उसको पैसे दिए जाएंगे, उसको मुंह मांगा रकम दिया जाएगा। पुणे पोर्श हादसे का नाबालिग आरोपी अग्रवाल परिवार का बेटा है। परिवार प्रमुख रियल स्टेट डेवलपर है। अग्रवाल परिवार का निर्माण व्यवसाय का इतिहास काफी लंबा है। उनकी फर्म ब्रह्मा कौर नाबालिग आरोपी के परदादा ब्रह्मादत्त अग्रवाल ने स्थापित की थी। कंपनी के पास अपने 5-स्टार होटल हैं। कल्याणी नगर में हुए पोर्श कार हादसे ने हर किसी को हिला दिया है। भयंकर नशे में धुत एक नाबालिग रईस जादे ने 2 युवा इंजीनियर्स को रौंद दिया। इस घटना में अब तक कई खुलासे हुए हैं। फिल्मों में जिस तरह से अमीर जादे को बचाने के लिए परिवार जिस तरह से पानी की तरह पैसे बहाता है, वैसे ही कुछ सबूत खत्म करता है, वैसा ही कुछ सामने आ रहा है। सियासी दबाव भी देखा जा रहा है। इस केस में पूरा उसी सिलसिले में हुआ है। ये परिवार पुणे में काफी रुबाब रखता है। परिवार के पास अथाह संपत्ति है, लग्जरी क्लब और होटल, ऊंची ऊंची व्यवसायिक संपत्तियां और कई अवसायी परियोजना में परिवार शामिल है। पोर्श कार दुर्घटना में शामिल किशोर का परिवार पुणे में रियल स्टेट में लगभग सभी क्षेत्रों में मौजूद है। आरोपी किशोर के परदादा ने ये कंपनी बनाई थी। अब ये पुणे और पिपरी चिंचवाड़ में पर्याप्त विस्तार के साथ 600 करोड़ की कंपनी बन गई है। आरोपी के परदादा ब्रह्मादत्त अग्रवाल ने 1980 के दशक में शुरुआत की थी इस कंपनी की। नाम रखा था ब्रह्मा कॉरपोरेशन। 1990 के दशक के शुरुआत में कंपनी ने पुणे में पहली लग्जरी क्लब और इसके साथ ही शहर में एक 5-सितारा होटल बनाया। 2000 के दशक में कंपनी ने ज्यादातर उंदरी, कल्याणी नगर, बाघोली और पुणे के अन्य हिस्सों में अवसायी परियोजना में बड़े पैमाने में प्रवेश किया। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि कंपनी का आधिकारिक मूल्यांकन 600 करोड़ रुपए के करीब है। महाबलेश्वर में ले मेडिटेरियन और पुणे में ग्रैंड सेरेटन समेत 2 5-स्टार होटल शामिल है। परिवार के पास ब्रह्मा मल्टी स्पेस और ब्रह्मा मल्टीकॉन जैसे व्यवसाय भी शामिल हैं। 2000 के दशक के मध्यम में भाइयों के बीच बंटवारा में कंपनी बटी। परिवार के वंशज के बेटे ने परिवार के साम्राज्य का अधिकांश हिस्सा पाने के लिए हर संभव प्रयास किया। विभाजन के बाद किशोर के दादा और पिता ने अवसायी और वाणिज्य अचल संपत्ति के अलावा बुनियादी ढांचे में अपनी रुचि दिखाई। पोर्श दुर्घटना के तुरंत बाद दूसरी कंपनी ने इस कंपनी के साथ किसी तरह का भी संबंध रखने से इनकार कर दिया है और सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। इस समय कंपनी के पास पिपरी चिंचवाड़ के साथ साथ पुणे के कुछ हिस्सों में व्यावसायिक परियोजना चल रही है। साथ ही कंपनी ने पुणे के बाघोली इलाके में डेवलपमेंट के लिए एक जमीन का सौदा तय किया है। घटना के बाद से कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट साथ ही लिंक्डइन पेज भी निष्क्रिय कर दिया गया है। बता दें, इस परिवार के लिए विवाद कोई नई बात नहीं है, जो शहर के शीर्ष रियल स्टेट परिवारों में से एक है। हाल ही में शिवसेना के एक पूर्व पार्षद ने आरोप लगाया था कि किशोर के दादा ने अंडरवर्ल्ड का इस्तेमाल करके उन्हें मरवाने की कोशिश की थी। जमीन हड़पने के आरोप थे, साथ ही परिवार के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाए थे। परिवार के खिलाफ सीबीआई की जांच के भी आरोप लगे थे। दादा की रिहाई के लिए बहस करते हुए परिवार के वकील ने दावा किया था कि सीबीआई ने पिछले मामलों में परिवार को क्लीन चिट दे दी थी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।